हेलो स्टूडेंट्स, जेई मेन 2020 के 4th सितंबर की सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस हैं जो कि मेमोरी बेस्ड हैं, वो अपन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें बोला गया कि मिनिमम वैल्यू ऑफ 2 to the power sin x प्लस 2 to the power cos x इज, है ना, इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है। अपने को पता है कि 2 to the power sin x भी एक पॉजिटिव नंबर है और 2 to the power cos x भी एक पॉजिटिव नंबर है। तो यहाँ पर अपन क्या लगाएंगे, am greater than or equal to 0। तो am क्या हो जाएगा दोनों नंबर का, 2 to the power sin x प्लस 2 to the power cos x अपॉन 2 greater than or equal to gm 2 to the power sin x इंटू 2 to the power cos x की होल पावर 1/2। यहाँ से अपन इसको सॉल्व करेंगे तो 2 to the power sin x प्लस 2 to the power cos x अपॉन 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू, पावर ऐड हो जाएंगे साइन एक्स प्लस कोस एक्स की होल पावर क्या है, 1/2। ठीक, तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, क्या बन जाएगा, 2 to the power sin x प्लस कोस एक्स अपॉन 2। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं 2 to the power sin x प्लस 2 to the power cos x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 into 2 to the power sin x प्लस कोस एक्स अपॉन 2, पावर मल्टीप्लाई होगी। अब अपने को साइन एक्स प्लस कोस एक्स की रेंज निकालनी आती है, साइन एक्स प्लस कोस एक्स की रेंज क्या होगी, फॉर्मूला जानते हैं अपन, अंडर रूट माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो माइनस रूट टू से प्लस रूट टू होगी इसकी रेंज। अब अपने को इस पार्ट की मिनिमम वैल्यू निकालनी है। ठीक, इसकी मिनिमम वैल्यू निकालेंगे तो इसको मिनिमम होना पड़ेगा। ये मिनिमम कब होगा, जब 2 की पावर में जो दे रखा है वेरिएबल साइन एक्स प्लस कोस एक्स वो मिनिमम हो। साइन एक्स प्लस कोस एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या है, माइनस रूट टू। ठीक है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आ गई, 2 into 2 to the power minus root 2 upon 2, और ये कितना आ जाएगा अपने पास, 2 to the power 1 minus 1 upon root 2। तो ये अपना आंसर आ गया कि 2 to the power sin x प्लस 2 to the power cos x की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 2 to the power 1 minus 1 upon root। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें अपने को बोला है कि द रेशियो ऑफ 3 कॉन्जिकेटिव टर्म्स इन एक्सपेंशन ऑफ 1 plus x to the power n plus 5 इज 5, 10, 14, है ना। ठीक है, तो अपन सबसे पहले टर्म निकालते हैं, तो एक्सपेंशन किसका है, 1 plus x to the power n plus 5। तीन कॉन्जुगेटिव टर्म ले लिए अपन ने। ठीक है, पहली टर्म ले लिया अपन टी आर, दूसरी टी आर प्लस 1 और तीसरी ले लेते हैं टी आर प्लस 2। ठीक, रेशियो क्या दे रखा है अपने को, तो टी आर प्लस 1 अपॉन टी आर इक्वल टू क्या दे रखा है, 10/5 मतलब 2। दूसरा अपने पास क्या बन रहा है, टी आर प्लस 2 अपॉन टी आर प्लस 1 इक्वल टू 14/10 मतलब 7/5। ठीक, अब ये फॉर्मूला बन गया, इसके अंदर कोफिशिएंट क्या होगा, एन सी आर, एन की जगह कौन है, एन प्लस 5। ठीक, एन प्लस 5 सी आर माइनस 1। ठीक है, टी आर का कोफिशिएंट क्या होगा, इक्वल टू 2। ठीक, यहाँ पर क्या बनेगा, एन प्लस 5 सी आर प्लस 1 अपॉन एन प्लस 5 सी आर इक्वल टू क्या है, 7/5। अब ये फॉर्मूला बन गया, फॉर्मूला होता है एन सी आर अपॉन एन सी आर माइनस 1 की वैल्यू होती है एन माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर। ठीक, यहाँ एन की जगह कौन है, एन प्लस 5। ठीक है, तो n प्लस 5 ये n आ गया माइनस r प्लस 1 अपॉन r इक्वल टू क्या है, 2। यहां पर n की जगह कौन है, n प्लस 5, r की जगह कौन है, r प्लस 1 प्लस 1 अपॉन r प्लस 1 इक्वल टू 7/5। ठीक, दो इक्वेशन दो अननोन, तो यहाँ से अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो n प्लस 5
एन माइनस आर प्लस सिक्स इक्वल टू टू आर, एक इक्वेशन आ गई एन माइनस थ्री आर प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो, क्वेश्चन नंबर वन। इसमें अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, फाइव एन प्लस ट्वेंटी फाइव माइनस फाइव आर इक्वल टू सेवन आर प्लस सेवन। ठीक, तो यहाँ से क्या बन गया अपने पास, फाइव एन माइनस ट्वेल्व आर प्लस एटीन इक्वल टू जीरो, प्लस एटीन इक्वल टू जीरो। दो इक्वेशन, दो अननोन सॉल्व कर लेते हैं। पहली इक्वेशन को फाइव से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दूसरी इक्वेशन क्या है, फाइव एन माइनस ट्वेल्व आर प्लस एटीन इक्वल टू जीरो। दूसरी इक्वेशन को फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइव एन माइनस फिफ्टीन आर प्लस थर्टी इक्वल टू जीरो। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें तो यहाँ से कितना बचेगा अपने पास, थ्री आर, और ये कितना बन गया, माइनस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो, तो आर इक्वल टू आ गया फोर। आर की वैल्यू फोर पहली इक्वेशन में पुट कर देंगे तो एन आ जाएगा अपने पास कितना, सिक्स। ठीक है, एन सिक्स आ गया तो एक्सपेंशन क्या हो गया अपने पास, वन प्लस एक्स की होल पावर इलेवन। तो एन क्या बन गया यहाँ पर, इलेवन, और इलेवन क्या है, ओड है, तो ग्रेटेस्ट कोफिशियंट क्या होगा, मिडल टर्म, और मिडल टर्म क्या होगी, इलेवन सी फाइव, और इलेवन सी फाइव की वैल्यू क्या आ जाएगी, 462। ठीक, मिडल टर्म क्या होगी, इलेवन सी फाइव, मिडल टर्म का कोफिशियंट, ग्रेटेस्ट कोफिशियंट वो क्या होगा, इलेवन सी फाइव 462। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री है, जो कि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देर आर सिक्स मल्टीपल क्वेश्चन इन ए पेपर, ईच हैविंग फोर ऑप्शन ऑफ विच ओनली वन इज करेक्ट, इन हाउ मैनी वेज ए पर्सन कैन सॉल्व एग्जैक्टली फोर करेक्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ये है कि छः क्वेश्चन है अपने पास टोटल एक पेपर में, ठीक है, और हर एक क्वेश्चन में चार ऑप्शन है, ठीक है, और एक स्टूडेंट को एग्जैक्टली फोर क्वेश्चन है वो करेक्ट करने है ना, ठीक है, तो दो उसको रॉन्ग करने, और लास्ट में ये भी लिखा है कि टोटल जो छः क्वेश्चन है सारे के सारे अटेम्प्ट करेगा वो, ठीक है, तो छः के छः क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा, चार को करेक्ट करेगा और दो को रॉन्ग करेगा। अब जैसे अपन एग्जाम्पल में देखें तो जैसे मान लो कोई क्वेश्चन है उसमें चार ऑप्शन है ए बी सी डी, अब इनमें से एक ही ऑप्शन करेक्ट है, तो करेक्ट है वो तो फिक्स है, किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन है वो तो फिक्स है, आंसर वो फिक्स है। मान लिया मैंने कि बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर वन है जैसे मान लो, तो क्वेश्चन नंबर वन को करेक्ट करने के कितने तरीके हैं, एक ही तरीका है कि वो बी पे टिक करे, ठीक, और क्वेश्चन नंबर वन को रॉन्ग करने के कितने तरीके हैं, या तो ए पे टिक कर दे तब भी गलत है, सी पे टिक करे तब भी गलत है, और डी पे टिक करे तब भी गलत है। तो किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को गलत करने के टोटल कितने तरीके, तीन तरीके, और सही करने का एक ही तरीका है क्योंकि आंसर फिक्स होता है, ठीक। जैसे इस क्वेश्चन में अपने समझा कि बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, तो करेक्ट करने का एक ही तरीका है कि वो बी पे ही टिक करे, और गलत करने के कितने तरीके, तीन तरीके हैं कि वो ए पे भी कर दे, सी पे भी कर दे, डी पे भी कर दे, ठीक है। तो अपने को उसमें चार क्वेश्चन है वो करेक्ट कराने, तो कौन से चार, सिक्स सी फोर, चार सेलेक्ट कर ली, चारों को करेक्ट करना है। पहले को करेक्ट किया वन इंटू वन इंटू वन इंटू वन, चारों करेक्ट हो गए, ठीक है। इसके बाद में अपने को दो क्वेश्चन जो बचे हैं, चार क्वेश्चन सेलेक्ट किए अपन ने, उन चारों को करेक्ट कर दिया, अब जो दो बचे हैं उनको रॉन्ग करना है, ठीक। तो गलत करने के कितने तरीके हैं, एक क्वेश्चन को तीन, दूसरे क्वेश्चन को भी गलत करने के कितने तरीके हैं, तीन, तो आंसर क्या आ गया अपने पास, सिक्स सी फोर वन टू द पावर फोर इंटू थ्री टू द पावर टू। इसको अपन सोल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 135। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें अपने बोला है कि इफ ओमेगा इज एन इमेजरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी सच दैट टू प्लस ओमेगा का होल स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ओमेगा, ठीक, यहाँ से इसको अपन ओपन कर देते हैं।
फोर प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस फोर ओमेगा इक्वल टू ए प्लस बी ओमेगा। अब ये ओमेगा में क्वाड्रेटिक बन गई, ठीक है, तो अपने को तो एक रिलेशन पता है, वन प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ठीक है। इस रिलेशन की हेल्प से अपन यहाँ से ओमेगा स्क्वायर एलिमिनेट कर लेंगे, ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया, माइनस वन माइनस ओमेगा प्लस फोर ओमेगा इक्वल टू ए प्लस बी ओमेगा। क्वेश्चन में दे रखा है कि ए और बी क्या है, रियल नंबर है, ठीक है, ए एंड बी बिलोंग्स टू आर। यहाँ से कितना बन गया अपने पास, थ्री प्लस थ्री ओमेगा इक्वल टू ए प्लस बी ओमेगा। कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, ए और बी रियल है, ए की वैल्यू क्या आ गई थ्री और बी कितना आ गया थ्री। क्वेश्चन में पूछा है अपने को ए प्लस बी, तो ए प्लस बी कितना आ जाएगा अपने पास सिक्स, तो आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को दे रखा है लिमिट टी टेंड्स टू एक्स एक्स स्क्वायर एफ ऑफ टी का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर अपॉन टी माइनस एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक। इस क्वेश्चन में खास बात क्या है कि टी टेंड्स टू एक्स है, मतलब टी वेरी कर रहा है, लिमिट किस पे लगी है, टी पे लगी है, तो एक्स यहाँ पर कॉन्स्टेंट है ना, एक्स यहाँ पर क्या है कॉन्स्टेंट है, लिमिट किस पे है टी पे, तो अपन टी इक्वल टू एक्स रखेंगे तो जीरो अपॉन जीरो बन रही है, जीरो अपॉन जीरो बन रही है, तो यूजिंग एल हॉस्पिटल, ठीक है, तो एल एस लगाएंगे यहाँ पर, एल एस लगाएंगे तो ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे और नीचे वाले को भी डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। अब डिफरेंशिएट करेंगे तो लिमिट टी पे लगी है, तो टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स क्या है यहाँ पर कॉन्स्टेंट, ठीक, इस लिमिट के रेस्पेक्ट में एक्स क्या है कॉन्स्टेंट, तो एक्स स्क्वायर लिमिट टी टेंड्स टू एक्स एफ ऑफ टी का करेंगे तो 2 इंटू एफ ऑफ टी एफ डैस टी माइनस 2 टी एफ स्क्वायर एक्स अपॉन टी माइनस एक्स, टी का करेंगे तो 1 और एक्स का करेंगे तो क्या जाएगा 0 इक्वल टू क्या दे रखा है 0। अब 0 अपॉन 0 खत्म हो गई, तो अपन टी की जगह क्या रख देंगे एक्स, क्या बन जाएगा 2x स्क्वायर एफ ऑफ एक्स एफ डैस एक्स माइनस 2x एफ स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक। तो यहाँ से अपन कॉमन ले लें, 2x एफ ऑफ एक्स कॉमन ले लें तो क्या बचेगा यहाँ x एफ डैस एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल जीरो, ठीक। तो एफ ऑफ एक्स तो जीरो हो नहीं सकता क्योंकि अपने को क्वेश्चन में दे रखा है एफ ओ वन इक्वल टू ई, तो एफ एक्स जीरो नहीं हो सकता क्योंकि वन पर वैल्यू क्या आ रही है ई, तो इसको जीरो होना पड़ेगा। ये कितना आ गया एक्स एफ डैस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अब अपन डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है, तो एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई, ठीक, वेरिएबल सेपरेबल डी एक्स बाई एक्स इंटीग्रेट कर दें दोनों तरफ, तो एल एन वाई इक्वल टू एल एन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट क्या मान लिया मैंने एल एन सी, तो यहाँ से वाई इक्वल टू क्या आ गया सी एक्स, ठीक है, मतलब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या आ गया सी एक्स, और एफ ओफ वन क्या दे रखा है अपने को ई, तो सी की वैल्यू क्या आ गई एफ ओफ वन इक्वल टू सी इक्वल टू ई, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या आ गया ई एक्स। अब अपने को बोला है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वन के सॉल्यूशन, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वन मतलब ई एक्स इक्वल टू वन, मतलब एक्स इक्वल टू क्या आ गया वन बाई ई, तो जब एक्स को वन बाई ई पुट करेंगे तो अपने पास एफ एक्स इक्वल टू वन आएगा, ठीक, तो एक्स इक्वल टू वन बाई ई सॉल्यूशन आ गया। अगला क्वेश्चन है जिसमें अपने को नंबर दे रखे हैं ए वन ए टू ए थ्री से लेकर ए एन तक, जो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, मतलब ए पी बना रहे हैं, और अपने को ए वन दे रखा है 1 और ए एन दे रखा है 300।
और एक क्वेश्चन में सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, इंटीजर है। ठीक, तो यहाँ पर अपन फॉर्मूला लगाएं, ए एन इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक, तो डी इक्वल टू क्या आ गया अपने पास, 299 अपॉन एन माइनस वन, ये कितना बन गया 23 इंटू 13, फैक्टर बना लिए इसके एन माइनस वन, और ये क्या दे रखा है अपने को, इंटीजर। अब d इंटीजर कब आएगा, ऊपर जो नंबर है वो प्राइम नंबर है 23 और 13। ठीक, तो d इंटीजर कब आएगा, जब n माइनस वन इक्वल टू क्या हो, या तो प्लस माइनस वन हो, या प्लस माइनस 299 हो, या प्लस माइनस 23 हो, या फिर प्लस माइनस 13। n माइनस वन की वैल्यू ये होंगी तभी d एक इंटीजर बनेगा। ठीक, अब n की वैल्यू निकाल लेते हैं अपन, n इक्वल टू क्या आएगा, 0 या फिर 2 या फिर माइनस 298 या फिर 300 या फिर माइनस 22 या फिर 24, माइनस 12 या फिर 14। बट n बिलोंग्स टू क्या दे रखा है अपने को, 15 to 50। ठीक, तो इस रेंज में कौन सा n आ रहा है, n इक्वल टू क्या आ गया, 24। n को यहाँ 24 रख देंगे तो d की वैल्यू क्या आ गई, 13। डी और एन मिल गए अपने, ठीक, डी और एन मिल गए। तो अब अपन जो अपने को पूछा है, एस एन माइनस फोर और ए एन माइनस फोर निकाल लेंगे। एस एन माइनस फोर मतलब एस 20, तो 20 बाई 2 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 20 माइनस 1 मतलब 19 इंटू डी कितना है, 13। ये वैल्यू कितनी आ गई, 2490। इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 2490। अब ए एन माइनस फोर निकालना अपने को, मतलब ए ट्वेंटी क्या होगा, ए वन प्लस 20 माइनस वन इंटू डी, तो ए ट्वेंटी क्या आ जाएगा अपने पास, यहाँ से ए वन वन है, 19 इंटू 13, ए ट्वेंटी कितना आ गया अपने पास यहाँ से, 248। ठीक, तो जो आंसर है वो क्या बन गया अपना, 2490, 248। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें अपने को एक वेक्टर दे रखा है, ए वेक्टर है, और वैल्यू पूछी है, ठीक, मॉड ऑफ आई कैप क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस आई कैप का होल स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे अपन, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्रॉस ट्रिपल प्रोडक्ट दे रखा है ये अपने, सॉल्व कर लेते हैं, क्या आएगा, आई कैप डॉट आई कैप इंटू ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट आई कैप इंटू आई कैप। ठीक, लेट ए वेक्टर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। पहले अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद में एक्स वाई जेड की वैल्यू अपने को पता है, क्योंकि ए वेक्टर पता है वो रख देंगे। ठीक, तो यहाँ से अपन इसको सॉल्व करेंगे तो आई कैप डॉट आई कैप वन हो गया, ए वेक्टर क्या है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप माइनस ए वेक्टर डॉट आई कैप क्या आएगा, एक्स एक्स इंटू आई कैप एक्स आई कैप, ये कितना आ गया अपने पास, वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, अब अपने को पता लग गया कि आई कैप ले रहे हैं तो क्या आ रहा है अपने पास, y और z वाली टर्म आ रही, सिमिलरली j कैप क्रॉस a वेक्टर क्रॉस j कैप इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स आई कैप प्लस जेड के कैप। थर्ड क्या अपने पास, k कैप क्रॉस a क्रॉस k इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अब ये जो तीनों वैल्यू आई हैं अपने पास है ना, 1, 2 और 3, ये जो अपना रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन दे रखा है, जिस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है अपने को, उस एक्सप्रेशन में पुट कर देते हैं। ठीक, तो क्या बन जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वाई जे कैप प्लस जेड के कैप का होल स्क्वायर प्लस
सेकेंड से अपन जे क्रॉस ए क्रॉस जे की वैल्यू रख देते, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स आई कैप प्लस जेड के कैप का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स आई प्लस वाई जे का स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा अपने पास, टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या दे रखा है अपने को, टू इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्या होगा, थ्री, थ्री का स्क्वायर नाइन, नाइन इंटू टू एटीन, ठीक है, आंसर आ गया एटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें अपने को तीन टर्म दे रखी है और तीनों किसमें, जीपी में है ना, इसको अपन सोल्व कर लेते हैं। पहले पहली टर्म की वैल्यू निकाल लेते हैं अपन, इंटीग्रेशन जीरो टू एन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स डीएक्स, ठीक है। अपने को पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है, और पीरियड क्या होता है उसका, वन, एन इंटू जीरो टू वन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स डीएक्स, जीरो से वन में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होती है, एक्स डीएक्स, क्या आ गया, एन इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू जीरो टू वन, ठीक, एक्स स्क्वायर बाई टू जीरो टू वन, कितना आ गया अपने पास, ये एन बाई टू। सेकेंड टर्म दे रखी है अपने को, इंटीग्रेशन जीरो टू एन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स डीएक्स। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर को अपन फ्रैक्शनल पार्ट में लिख सकते हैं, एक्स माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स डीएक्स, इंटीग्रेशन जीरो टू एन एक्स डीएक्स माइनस इंटीग्रेशन जीरो टू एन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स डीएक्स, इसकी वैल्यू अपन निकाल चुके हैं, वो कितनी है, एन बाई टू, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, एक्स स्क्वायर बाई टू, मतलब एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू, ठीक। थर्ड टर्म अपने को पता है क्या, टेन इंटू एन स्क्वायर माइनस एन, तो जी पी क्या बन रही है अपने पास, एन बाई टू कोमा एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू कोमा टेन इंटू एन स्क्वायर माइनस एन, ये तीनों टर्म किस में है, जी पी में, ठीक। तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी लगा देते हैं, क्या बनेगा, एन स्क्वायर माइनस एन का होल स्क्वायर अपॉन फोर इक्वल टू एन बाई टू इंटू टेन इंटू एन स्क्वायर माइनस एन, एन स्क्वायर माइनस एन से एक एन स्क्वायर माइनस एन कैंसिल हो गया, एन से एन कैंसिल हो गया, तो एन माइनस वन इक्वल टू क्या आ गया, ट्वेंटी, एन इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास, ट्वेंटी वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें अपने को इंटरवल दे रखे हैं और उन इंटरवल्स की जो फ्रिक्वेंसीज हैं वो दे रखी है ना, और वेरियंस दे रखा है। अपने को पता है कि वेरियंस फाइंड करने के लिए अपने को मीन चाहिए, अब मीन के लिए अपने को एक्स आई चाहिए, तो दूसरी टेबल बनाते हैं अपन, एक्स आई और उसके करस्पॉन्डिंग एफ आई, ठीक। अब इंटरवल दे रखा है तो एक्स आई क्या होता है, मिडल टर्म, जीरो टू टेन मिडल टर्म क्या है, फाइव, फाइव के करस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसी क्या है, टू, टेन टू ट्वेंटी मिडल टर्म क्या है, फिफ्टीन, फ्रिक्वेंसी क्या है, एक्स, दूसरा ट्वेंटी फाइव हो गई मिडल टर्म और फ्रिक्वेंसी क्या हो गई, टू। अपने को पता है कि मीन इक्वल टू क्या होता है, समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई, कितना हो गया ये, टेन प्लस फिफ्टीन एक्स प्लस फिफ्टी अपॉन फोर प्लस एक्स, तो फिफ्टीन इंटू फोर प्लस एक्स अपॉन फोर प्लस एक्स इक्वल टू कितना आ गया, फिफ्टी, मीन पता लग गया अपने। अब वेरियंस का फॉर्मूला, सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई का स्क्वायर अपॉन समेशन एफ आई माइनस मीन का स्क्वायर इक्वल टू कितना है, फिफ्टी, जो कि क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक। तो एफ आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर टू इंटू ट्वेंटी फाइव फिफ्टी प्लस फिफ्टीन का स्क्वायर टू ट्वेंटी फाइव प्लस ट्वेंटी फाइव का स्क्वायर सिक्स ट्वेंटी फाइव इंटू टू ट्वेल्व फिफ्टी, समेशन एफ आई कितना है, फोर प्लस एक्स इक्वल टू फिफ्टी। उन्हें एक्स की वैल्यू पूछी,
इसको अपन जैसे ही सॉल्व करेंगे x इक्वल टू 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, पहले क्वेश्चन समझ लो कि दो लोग हैं ए और बी, ठीक है, वो पेयर ऑफ डाइस को थ्रो कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें ये बोला है कि वो एक गेम खेल रहे हैं जिसमें पेयर ऑफ डाइस को थ्रो करेंगे, ए तब जीतेगा जब जो सम है नंबर्स का दोनों डाइस पे वो 6 हो जाए, और बी तब जीतेगा जब सम क्या हो जाए 7, ठीक है। और गेम को स्टार्ट कौन कर रहा है, ए कर रहा है, मतलब दोनों डाइस हैं वो ए के हाथ में, सबसे पहले ए थ्रो करेगा। और क्वेश्चन में बोला है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए विंस, ए उस मैच को जीते उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं ए के लिए सम क्या है 6, सम 6 कैसे आएगा, एक पे 1 आ जाए, एक पे 5 आ जाए, या फिर एक पे 2 आ जाए, एक पे 4 आ जाए, या फिर एक पे 3 आ जाए और दूसरी पे भी 3, 4 2 5, टोटल सम 6 आए, मतलब जो आउटकम्स है उसमें नंबर्स का सम है वो 6 आए, वो कितनी बार हो रहा है ऐसा 5 टाइम, और टोटल अपने को पता है कि दो डाइस को थ्रो करेंगे तो ऐसे 36 पेयर बनेंगे, ठीक है। तो सैंपल स्पेस में टोटल एलिमेंट कितने 6, और ए के लिए फेवरेबल कितने 5, तो ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी आ जाएगी 5/36, और ए ना जीते उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1-5/36, मतलब 31/36। अब अपन बी के लिए देखते हैं, सम 7 आ जाए 1,6, 2,5, 3,4, 4,3, 5,2, 6,1, ऐसे 6 तरीके हैं, तो बी जीते इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है 6/36, और बी के सम 7 ना आए इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, जीतने का नहीं बोल सकते अपन, जीतना तो गेम स्टार्ट होगा उसके बाद, है ना। तो यहाँ तो अपन ये बोल सकते हैं कि बी के सम 7 आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 6/36, और बी के सम 7 ना आए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1-30/36, ठीक। अब यहाँ से अपन सोल्व करना स्टार्ट करते हैं, ए को जीताना है अपने को, ए जीते तो गेम कोई सा भी एक जीत जाएगा, जीतते ही गेम खत्म हो जाएगा, ठीक है, और अपने को एक को जिताना है। तो सबसे पहले दोनों डाइस ए के हाथ में है, ए थ्रो करेगा, तो मान लो कि पहली बार में ए के सम है वो 6 आ गया, तो ए जीत जाएगा 5/36, ठीक है। प्लस मान लो कि पहली बार में ए के सम है वो 6 नहीं आया, ऐसा भी तो हो सकता है, सम 6 नहीं आया 31/36 इंटू, अब दोनों डाइस हैं वो बी के पास जाएंगी, अब बी थ्रो करेगा, अब अपने को जिताना ए को है, ठीक है, तो बी जीते इसके बारे में तो अपने को सोचना ही नहीं है, जीतना कौन चाहिए ए, ठीक है। तो बी के 7 आ गया सम तो बी जीत जाएगा, तो बी के 7 सम नहीं आना चाहिए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, अब दोनों डाइस ए के पास जाएंगी, ए के क्या हो जाए सम आ जाए 6 आ जाए 5/36, ठीक है। तो अपन ये चीज कर रहे हैं कि पहली बार में ही ए के सम 6 आ जाए, या मान लो कि पहली बार में ना आए, पहली बार में नहीं आया तो डाइस हैं वो बी के पास जाएंगी, बी के पास भी सम 7 नहीं आना चाहिए, नहीं तो बी जीत जाएगा, फिर डाइस ए के पास जाएंगी तो ए के पास क्या आ जाए सम 6 आ जाए। अगला करें अपन, ए के पास ना आए, बी के पास भी ना आए, ए के पास भी ना आए, ठीक है, बी के पास भी ना आए, फिर ए के पास आ जाए, ठीक है।
इस टाइप से गेम चलता जाएगा इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो ये जीपी बन रही है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विंस फर्स्ट टर्म 5/36 अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो 31/36 इंटू 30/36। ठीक, तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया, 5/36 1 माइनस 31/36 इंटू 5/36 सॉरी 5/6। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 30/61। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को एक सर्कल की इक्वेशन पूछी है जो कि दो सर्कल दे रखे हैं उनके इंटरसेक्शन पॉइंट से जा रहा है, तो फैमिली ऑफ सर्कल क्या होगा, S1 + λ S2 = 0। ठीक, तो S1 क्या है अपने पास, x² + y² - 6x + λ × S2 x² + y² - 4y = 0। ठीक, तो ये S सर्कल की इक्वेशन आ गई, इन दोनों सर्कल के इंटरसेक्शन पॉइंट से जा रहे हैं, S सर्कल की इक्वेशन आ गई। तो अपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, x² + y² - 6/λ + 1 × x - 4λ / λ + 1 × y = 0। ठीक, अब इसका सेंटर निकाल लेते हैं, सेंटर क्या आएगा, 3/λ + 1, 2/λ / λ + 1। ये सेंटर किस पे लाई कर रहा है, एक लाइन दे रखी है अपने को 2x - 3y + 12 = 0 पे लाई कर रहा है। ठीक, तो सेटिस्फाई करा देते हैं, 3/λ + 1 - 6/λ / λ + 1 + 12 = 0। तो 6 - 6λ + 12λ + 12 = 0। यहाँ से कितना आ गया अपने पास, 6λ = -18, लेमडा कितना आ गया, -3। ठीक, लेमडा -3 यहाँ पुट कर देंगे तो एस सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी अपने पास, x² + y² - 3 पुट करेंगे यहाँ पर तो -2 - -+ + 3x, यहाँ -3 पुट करेंगे तो -2 - 12 - 6y = 0। अब इस सर्कल को कौन कौन से पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं, अपने को चार ऑप्शन दे रखे हैं, चारों ऑप्शन अपन पुट करेंगे और चेक कर लेंगे कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक, तो यहाँ एक ऑप्शन -3, 6 है जो कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो वही आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का क्वेश्चन है, द कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट है अपने पास, इफ एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए देन एफ एक्स इज डिफरेंशियबल एट एक्स इक्वल टू ए। यहाँ क्या बन रहा है अपने पास, पी देन क्यू। ठीक, पी देन क्यू, पी स्टेटमेंट क्या है यहाँ पर, इफ एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए, क्यू क्या है, देन एफ एक्स इज डिफरेंशियबल एट एक्स इक्वल टू ए। ठीक, पहला स्टेटमेंट पी है और देन के बाद का जो स्टेटमेंट है वो क्यू है, इसका अपने को निकालना है कॉन्ट्रा पॉजिटिव। तो डायरेक्ट इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होगा, नेगेशन ऑफ क्यू देन नेगेशन ऑफ पी। ठीक है, नेगेशन ऑफ क्यू देन नेगेशन ऑफ पी। ठीक, तो क्यू क्या है यहाँ पर, एफ एक्स इज डिफरेंशियबल एट एक्स इक्वल टू ए। ठीक, तो इसका नेगेशन क्या होगा, एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशियबल एट एक्स इक्वल टू ए। ठीक, देन नेगेशन ऑफ पी, नेगेशन ऑफ पी, पी क्या है यहाँ पर, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए, तो नेगेशन ऑफ पी क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए, तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास। तो एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशियबल एट एक्स इक्वल टू ए देन एफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने को इलिप्स की इक्वेशन दे रखी है,
स्टैंडर्ड इलिप्स है और उसकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन दे रखी है। डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, x इक्वल टू ए बाई, और वो कितना दे रखा है, 4। और इसेंट्रिसिटी दे रखी है अपने को 1/2। ठीक, इसेंट्रिसिटी क्या, 1/2, तो a इक्वल टू क्या आ गया, 2। अब फॉर्मूला लगा देते हैं, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 - e स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से ए स्क्वायर कितना है, 4, 1 - 1/4, बी स्क्वायर कितना आ गया, 3। एलिप्स की इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल टू 1। ठीक, अब अपने को बोला है कि एक पॉइंट है एलिप्स पे 1, β एंड बीटा इज ग्रेटर देन 0। उस पॉइंट पे नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है अपने को, तो वो पॉइंट इस इलिप्स पे है, तो सेटिस्फाई करा देते हैं, 1/4 प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल टू 1। तो बीटा स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल टू क्या आ गया, 1 - 1/4, 3/4। बीटा कितना आ जाएगा अपने पास, 3/2। क्यों, क्योंकि बीटा क्या दे रखा है, ग्रेटर देन 0। ठीक, तो बीटा की वैल्यू आ गई 3/2, तो पॉइंट मिल गया अपने को 1, 3/2। इस पर अपने को नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी है। नॉर्मल की इक्वेशन का फॉर्मूला ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स वन माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन वाई वन इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक्स वन वाई वन पता है अपने को, एक्स वन कितना 1 और वाई वन कितना 3/2। ए स्क्वायर कितना है, 4x अपॉन 1 माइनस बी स्क्वायर कितना है, 3y अपॉन 3/2 इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना आ गया, 1। तो कितना आ गया, 4x - 2y इक्वल टू 1। ये नॉर्मल की इक्वेशन आ गई। अब अपने को बोला है कि ऑप्शन में से कौन से पॉइंट है जो इस नॉर्मल की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक, तो अपन ऑप्शंस पुट करेंगे, इसमें देखेंगे 1, 3/2 एक पॉइंट दे रखा है ऑप्शन में, तो वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि उसी पे तो नॉर्मल है। तो आंसर क्या आ गया, 1, 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को दो इक्वेशन दे रखी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहली इक्वेशन है x² - x + 2λ = 0। इसके दो रूट हैं, एक अल्फा है और दूसरा बीटा है। दूसरी इक्वेशन दे रखी है अपने को 3x² - 10x + 27λ = 0। इसका एक रूट है अल्फा और दूसरा है गामा। तो यहाँ से ये पता लग गया कि दोनों इक्वेशन का एक रूट कॉमन है। एक रूट कॉमन है तो क्या अपन इसको सेटिस्फाई करा दें, 3α² - 10α + 27λ = 0। पहली इक्वेशन में भी अल्फा सेटिस्फाई करा दें और साथ में 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 3α² - 3α + 6λ = 0। और दोनों को सबट्रैक्ट कर दें। ठीक, दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, -7α + 21λ = 0। यहाँ से अल्फा आ गया 3λ, अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, 3λ। अब अपने को पता है कि अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, तो 3λ भी इसको सेटिस्फाई करेगा क्योंकि अल्फा इक्वल टू क्या, 3λ। अल्फा इक्वल टू 3λ यहाँ रख दो x की जगह 3λ, तो 9λ² - 3λ + 2λ = 0। तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया, 9λ - 1 = 0, λ = 0 या फिर λ = 1/9। अब λ 0 हो नहीं सकता क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है अपने को, β * γ / λ, है ना, तो वो नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो λ की वैल्यू क्या होगी, 1/9। अब यहाँ से अपन सम ऑफ रूट देखें तो कितना है अपने पास, 1। यहाँ से सम ऑफ रूट देखें तो वो कितना है, 10/3। ठीक, तो अल्फा यहाँ से लेमडा की वैल्यू 1/9 रखेंगे तो अल्फा कितना आ जाएगा अपने पास, 1/3। अल्फा 1/3 रखेंगे तो बीटा कितना आ जाएगा, 2/3। यहाँ अल्फा 1/3 रखेंगे तो गामा कितना आ जाएगा, 3। वैल्यू क्या पूछी है, β * γ / λ। बीटा कितना है, 2/3, गामा कितना है, 3, लेमडा कितना है, 1/3, सॉरी लेमडा कितना है अपने पास, 1/9। वैल्यू कितनी आ गई, 18। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने बोला है कि लेक है, ठीक, इस लेक से
200 मीटर की हाइट पे एक पॉइंट पे, एक पॉइंट है 200 मीटर की हाइट पे, ठीक, ये कितनी डिस्टेंस है 200 मीटर, इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने पॉइंट पी, ठीक। फिर यहाँ कहीं क्लाउड है, इस क्लाउड का एंगल दे रखा है अपने को, एलिवेशन एंगल दे रखा है 30 डिग्री, ठीक। अब इस लेक में इस क्लाउड की इमेज बनेगी, क्लाउड को पॉइंट दे दिया मैंने सी, वो इमेज बनेगी, वो इमेज मान ली मैंने क्या है सी डैश, ठीक। इस इमेज का एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है इस पॉइंट पी से 60 डिग्री, ठीक है। अपने को पॉइंट से क्लाउड की डिस्टेंस पूछिए, ये मान ली मैंने x और ये मान ली मैंने y, ये 200 है तो रेक्टेंगल बन गया, ये भी कितनी होगी 200। अब अपने को पता है पॉइंट की मिरर के रेस्पेक्ट में इमेज, ये मिड पॉइंट होता है, तो ये x प्लस 200 है तो ये भी कितनी होगी x प्लस 200, ठीक। अब दो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला, ऊपर वाले राइट एंगल ट्राइंगल से मैं टेन 30 निकालूं तो वो कितना होगा x बाई वाई, y इक्वल टू क्या आ गया रूट 3x। नीचे वाले ट्राइंगल से अपन टेन 60 डिग्री निकालें तो ये लेंथ कितनी होगी x प्लस 400 अपॉन, ये कितनी है y, ठीक है, तो ये कितना आ गया रूट 3y इक्वल टू x प्लस 400। दो इक्वेशन दो अननोन, यहाँ से y की वैल्यू रख दो, 3x इक्वल टू x प्लस 400, x कितने आ गया अपने पास 200, x 200 आ गया, तो यहाँ से अपन साइन 30 लगाएं ऊपर वाले ट्राइंगल में, साइन 30 इक्वल टू 200 अपॉन PC, रिक्वायर्ड लेंथ क्या है PC, ये 1/2 हो गया, तो PC इक्वल टू क्या आ गया 400, तो पॉइंट की क्लाउड से डिस्टेंस क्या होगी 400 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेट करना है अपने को, देखो मैं सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ऊपर नीचे, ना पाई बाय 6 टू पाई बाय 3, ठीक, और अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, तो क्या बन गया अपने पास 4 10 cube x इंटू sec square x इंटू साइन टू द पावर 4 3x, ठीक, प्लस 2 से अपन ने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है, एक साइन 6x लिखा हुआ है, साइन 6x में साइन 2 थीटा फॉर्मूला लगाएंगे तो 2 साइन 3x कोस 3x है ना, तो अपने पास क्या बन जाएगा 4 sin cube 3x, ठीक है, इंटू कोस 3x, ठीक है, 3 अपने पास पहले से वहां है, ठीक है, 2 अपन ने वहां से मल्टीप्लाई किया और एक 2 कहां से मिला, अपन ने जो साइन 6x दे रखा है उसको लिख दिया 2 sin 3x cos 3x, ठीक, एक 2 वहां से मिल गया, एक 2 से अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 आ गया, 3 वहां ऑलरेडी है तो इंटू 3 इंटू 10 to the power 4x dx, ठीक है। अब ये क्या बन गया अपने पास 10 टू द पावर 4x का डिफरेंशिएशन, और ये क्या बन गया अपने पास साइन टू द पावर 4 3x का डिफरेंशिएशन, क्या लिखेंगे अपन 1/2 इंटीग्रेशन पाई बाय 6 टू पाई बाय 3 d/dx ऑफ 10 टू द पावर 4x इनटू में कौन है साइन टू द पावर 4 3x प्लस मल्टीप्लाई में 10 टू द पावर 4x है
डी बाई डी एक्स ऑफ साइन टू द पावर फोर थ्री एक्स। ठीक है, ये प्रोडक्ट रूल है। ठीक है, एक्स का डिफरेंशिएशन इंटू वाई प्लस एक्स इंटू वाई का डिफरेंशिएशन, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, वन बाई टू पाई बाई सिक्स टू पाई बाई थ्री डी बाई डी एक्स ऑफ टेन टू द पावर फोर एक्स साइन टू द पावर फोर थ्री एक्स डी एक्स। डी एक्स से डी एक्स कैंसिल हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्या बन जाएगा अपने पास, लिमिट टेन टू द पावर फोर एक्स थ्री एक्स, लिमिट क्या है पाई बाई सिक्स से पाई बाई थ्री। ठीक, पाई बाई थ्री रखेंगे तो साइन पाई जीरो हो जाएगा, तो वन बाई टू है ही बार, तो वन बाई टू इंटू जीरो माइनस, यहाँ पाई बाई थ्री रखेंगे तो जीरो हो जाएगा, यहाँ पाई बाई सिक्स रखेंगे तो पाई बाई टू साइन वन हो गया, ये वन अपॉन रूट थ्री की पावर फोर, तो ये आ गया माइनस वन बाई एटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें अपने को एक कर्व दे रखा है, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक, सिमेट्रिक है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के, वो यहां पर कोई एक्स एक्सिस पे पॉइंट ए और बी है और सी और डी कर्व पे है और एक रेक्टेंगल बन रहा है ए बी सी डी, अपने को इस रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम निकालना है। ठीक, अब ये रेक्टेंगल है और एरिया मैक्सिमम हो बाई सिमेट्री, ए मैंने मान लिया अल्फा कोमा जीरो, तो बी क्या होगा माइनस अल्फा कोमा जीरो। अब इस लाइन पर एक्स कोऑर्डिनेट अल्फा ही रहेगा, ठीक है, तो यहाँ अल्फा रखेंगे तो डी के कोऑर्डिनेट आ गए अल्फा कोमा अल्फा स्क्वायर माइनस वन। ठीक, अब अपन इसका एरिया निकालें, एस इक्वल टू ये लेंथ कितनी है टू अल्फा, ब्रेड्थ कितनी होगी अल्फा स्क्वायर माइनस वन, नहीं वन माइनस अल्फा स्क्वायर, डी कहाँ है एक्स एक्सिस के नीचे है, क्वेश्चन में लिखा है सी और डी क्या है बिलो एक्स एक्सिस, अब डी एक्स एक्सिस के नीचे है तो वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा, इसको अपने को पॉजिटिव बनाना है क्योंकि अपन क्या निकाल रहे हैं एरिया, क्या जाएगा वन माइनस अल्फा स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से एस इक्वल टू क्या आ गया टू अल्फा माइनस टू अल्फा क्यूब। ठीक है, मैक्सिमा निकालना है तो डिफ्रेंशिएट कर दो, डी एस बाई डी अल्फा इक्वल टू टू माइनस सिक्स अल्फा स्क्वायर और इसको क्या कर दो जीरो, तो यहाँ से अल्फा आ गया अपने पास वन बाई रूट थ्री या फिर अल्फा क्या होगा माइनस वन बाई रूट थ्री। ठीक है, तो इन पे अपन एरिया निकाल लेते हैं, मैक्सिमम एरिया क्या होगा, एरिया इक्वल टू इस पे तो नेगेटिव हो जाएगा तो वो तो एरिया होगा नहीं, तो वन बाई रूट थ्री रख देते हैं, तो टू बाई रूट थ्री माइनस टू इंटू वन अपॉन थ्री रूट थ्री, ये कितना आ गया अपने पास फोर अपॉन थ्री रूट थ्री। तो मैक्सिमम एरिया पूछा है अपने को रेक्टेंगल का, वो क्या आएगा फोर बाई थ्री रूट थ्री। नेक्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है दे रखी है अपने को, डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई माइनस थ्री एक्स अपॉन एल एन वाई माइनस थ्री एक्स इक्वल टू थ्री, यहाँ मैं वाई माइनस थ्री एक्स को टी पुट कर रहा हूँ। ठीक, क्या बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स माइनस थ्री इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स की जगह रख देते हैं अपन डी टी बाई डी एक्स प्लस थ्री माइनस टी अपॉन एल एन टी इक्वल टू थ्री, थ्री से थ्री कैंसिल हो गया डी टी एल एन टी अपॉन टी इक्वल टू डी एक्स, इंटीग्रेट कर देते हैं, एल एन टी को मैं मान रहा हूँ पी, तो ये क्या बन जाएगा वन बाई टी डी टी इक्वल टू डी पी, तो इंटीग्रेशन पी डी पी इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स, ये कितना बन गया पी स्क्वायर बाई टू इक्वल टू एक्स प्लस सी,
पी की वैल्यू क्या है, एल एन टी, तो एल एन टी का स्क्वायर अपॉन टू इक्वल टू एक्स प्लस सी, और टी की वैल्यू क्या है, वाई माइनस थ्री एक्स, एल एन स्क्वायर वाई माइनस थ्री एक्स अपॉन टू इक्वल टू एक्स प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को एक सर्कल की डायमीटर दे रखी है पी क्यू, ये सर्कल है कोई, ये इसकी डायमीटर है पी क्यू, सर्कल दे रखा है अपने को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर, ठीक है। तो सर्कल पे पॉइंट कैसे मानते हैं अपन, आर कोस थीटा कोमा आर साइन थीटा, तो टू कोस थीटा कोमा टू साइन थीटा, तो क्यू क्या हो जाएगा, माइनस टू कोस थीटा माइनस टू साइन थीटा, ठीक। अब पी और क्यू से एक लाइन की डिस्टेंस है अल्फा और बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा की मैक्सिमम वैल्यू पूछी अपने, तो अल्फा निकाले अपन, लाइन दे रखी है एक्स प्लस वाई इक्वल टू टू, तो अल्फा क्या होगा, टू कोस थीटा प्लस टू साइन थीटा माइनस टू अपॉन रूट टू का मोड, बीटा क्या आ जाएगा अपने पास, मोड ऑफ माइनस टू कोस थीटा माइनस टू साइन थीटा माइनस टू अपॉन रूट टू, अल्फा इंटू बीटा करेंगे अपन तो वो क्या बन जाएगा, मोड ऑफ टू तो दोनों में से कॉमन ले लें, मल्टीप्लाई करेंगे टू यहाँ से आ गया, टू यहाँ से फोर बार आ गया, फोर बाई रूट टू, ठीक है, तो इंटू फोर कोस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस वन इंटू कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस वन अपॉन रूट टू, ठीक। अब ये एक्स है, ये भी एक्स है, और वन को क्या मान लो वाई, यहाँ क्या लिखा है, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा अपने पास, रूट टू इंटू रूट टू, सॉरी टू इंटू मोड ऑफ कोस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, तो अल्फा इंटू बीटा क्या बन गया, टू इंटू मोड ऑफ साइन टू थीटा, मैक्सिमम बनाना है तो साइन टू थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, वन, वैल्यू आ गई टू, तो अल्फा इंटू बीटा मैक्सिमम कितना होगा, टू। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को एक फंक्शन दे रखा है एफ एक्स, एफ ऑफ एक्स, जब एक्स ग्रेटर देन वन होगा तो मोड हट गया, एक्स माइनस वन अपॉन टू, जब एक्स लेस देन माइनस वन होगा तो माइनस एक्स माइनस वन अपॉन टू, मोड नेगेटिव खुल जाएगा, सिर्फ मोड एक्स पे लगा है तो एक्स का मोड हटा देंगे। दूसरा, जब एक्स माइनस वन से वन है तब क्या है, टेन इनवर्स एक्स, ठीक है, इसका अपन आसानी से ग्राफ बना सकते हैं, टेन का ग्राफ, टेन इनवर्स का ग्राफ क्या होता है, यहाँ माइनस वन है और यहाँ वन है, ठीक है, वन पे पाई बाई फोर, माइनस वन पे, माइनस वन पे वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस पाई बाई फोर, ठीक है। इसके बाद में ये स्ट्रेट लाइन है, दोनों दोनों स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, जब एक्स वन से बड़ा है तब लाइन की स्लोप क्या है, पॉजिटिव, ओपन आ जाएगा यहाँ, जब x माइनस वन से कम है तब लाइन की स्लोप क्या है, माइनस वन, ठीक, ये आगे का, तो कहाँ कहाँ कॉन्टिन्यूस है, हर जगह कॉन्टिन्यूस है, किसको छोड़कर, वन और माइनस वन को छोड़कर हर जगह ग्राफ क्या है, कॉन्टिन्यूस, मतलब एफ एक्स कॉन्टिन्यूस है हर जगह, सिर्फ वन और माइनस वन को छोड़कर, तो ऑप्शन आ जाएगा
एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस फॉर आर माइनस वन कॉमा माइनस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें अपने को एक प्लेन दे रखा है, एक्स माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू फाइव। एक पॉइंट दे रखा है पी, वन कॉमा माइनस टू कॉमा माइनस थ्री। एक लाइन है अपने पास एक्स बाई टू इक्वल टू वाई बाई थ्री इक्वल टू जेड अपॉन माइनस सिक्स। ठीक, ये लाइन अपने को इस लाइन के पैरेलल इस पॉइंट की इस प्लेन से डिस्टेंस निकालनी है पी क्यू। ये इस लाइन के पैरेलल है, ठीक, ये गिवन लाइन है। इस लाइन के परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं निकालनी है अपने को, अपने को ये गिवन लाइन है इसके पैरेलल डिस्टेंस निकालनी है अपनी इस पॉइंट से इस प्लेन की। ठीक, तो वो डिस्टेंस क्या होगी पी क्यू। पी क्यू पैरेलल है इस लाइन के, ठीक, तो जो इसका डायरेक्शन वेक्टर होगा वही डायरेक्शन वेक्टर पी क्यू का होगा। तो इक्वेशन ऑफ पी क्यू, इक्वेशन ऑफ पी क्यू क्या आ जाएगी अपने पास, इसकी डायरेक्शन क्या है वो वही है जो इसकी डायरेक्शन है। तो एक्स माइनस वन अपॉन टू इक्वल टू वाई प्लस टू अपॉन थ्री इक्वल टू जेड प्लस थ्री अपॉन माइनस सिक्स इक्वल टू, मैंने मान लिया लेमडा, तो पॉइंट क्यू आ जाएगा अपने पास। टू लेमडा प्लस वन, थ्री लेमडा माइनस टू, माइनस सिक्स लेमडा माइनस थ्री। ये पॉइंट क्यू इस प्लेन में है तो प्लेन को सेटिस्फाई करा दो। टू लेमडा प्लस वन माइनस थ्री लेमडा प्लस टू माइनस सिक्स लेमडा माइनस थ्री इक्वल टू फाइव। ठीक, तो यहाँ से अपने पास आ गया माइनस सेवन लेमडा इक्वल टू फाइव। लेमडा कितना आ गया माइनस फाइव बाई सेवन। तो पॉइंट क्यू आ जाएगा आपके पास, क्यू क्या आएगा माइनस फाइव बाई सेवन रख दो, तो माइनस टेन बाई सेवन प्लस वन कोमा माइनस फिफ्टीन बाई सेवन माइनस टू कोमा प्लस थर्टी बाई सेवन माइनस थ्री। तो क्यू पॉइंट क्या आ गया अपने पास माइनस थ्री बाई सेवन कोमा माइनस ट्वेंटी नाइन बाई सेवन कोमा नाइन बाई सेवन। ठीक, अब पी क्यू डिस्टेंस निकाल लो, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। तो पी क्यू डिस्टेंस क्या आ जाएगी, पी क्यू इक्वल टू अंडर रूट वन प्लस थ्री बाई सेवन का होल स्क्वायर प्लस माइनस टू प्लस ट्वेंटी नाइन बाई सेवन का होल स्क्वायर प्लस माइनस थ्री माइनस नाइन बाई सेवन का होल स्क्वायर। इसको अपन कैलकुलेट करेंगे तो पी क्यू की वैल्यू आ जाएगी फाइव। तो पॉइंट पी की गिवन लाइन के पैरेलल गिवन प्लेन से जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी फाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को एक मैट्रिक्स ए दे रखी है और तीन रिलेशन दे रखे हैं मैट्रिक्स ए के साथ, और तीन मैट्रिक्स एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री हैं और तीन बी वन बी टू बी थ्री हैं। तो अपने को मैट्रिक्स ए निकालनी है, ठीक, मतलब अपने को डिटर्मिनेंट ऑफ ए पूछा है। तो मैट्रिक्स ए मैंने मान लिया, पहला रिलेशन लगा देते हैं अपन ए एक्स वन इक्वल टू बी वन। ए मैंने मान लिया ए वन बी वन सी वन, ए टू बी टू सी टू, ए थ्री बी थ्री सी थ्री। ठीक, ये मैट्रिक्स मैंने मान ली। अब एक्स वन क्या है, वन वन वन, और बी वन क्या है वन जीरो जीरो। मल्टीप्लाई कर देंगे अपन और कंपेयर कर लेंगे, तीन इक्वेशन आ जाएंगे अपने पास। पहली इक्वेशन आ गई ए वन प्लस बी वन प्लस सी वन इक्वल टू वन, ए टू प्लस बी टू प्लस सी टू इक्वल टू ज़ीरो, ए थ्री प्लस बी थ्री प्लस सी थ्री इक्वल टू ज़ीरो। अब दूसरा रिलेशन क्या है, ए एक्स टू इक्वल टू बी टू। इक्वेशन वन टू थ्री, दूसरा क्या है ए एक्स टू इक्वल टू बी टू। ए है ए वन बी वन सी वन, ए टू बी टू सी टू, ए थ्री बी थ्री सी थ्री।
और x2 क्या है अपने पास 0 टू 1, b2 क्या है 0 टू 0। ठीक, यहां से अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर तीन इक्वेशन मिलेंगे, 2b1 प्लस c1 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 4। दूसरा 2b2 प्लस c2 इक्वल टू 2, और थर्ड रिजल्ट 2b3 प्लस c3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब अपन फोर्थ रिलेशन लगाएंगे। फोर्थ में क्या होगा, ए वन बी वन सी वन, ए टू बी टू सी टू, ए थ्री बी थ्री सी थ्री इंटू एक्स थ्री जीरो जीरो वन इक्वल टू बी थ्री जीरो जीरो टू। मल्टीप्लाई कर दें अपन तो यहां से सी वन इक्वल टू जीरो, फिर C2 इक्वल टू 0, C3 इक्वल टू 2, ये वैल्यू आ गई। C1 0 आ गया तो C1 0 यहां रखेंगे तो B1 भी 0 आ गया, C2 यहां रखेंगे 0 तो B2 कितना आ गया 1। ठीक, यहां C3 2 रखेंगे तो B3 कितना आ गया माइनस 1। ठीक है, अब इसमें रख देते हैं अपन B1 और C1 0 0 रखेंगे तो A1 कितना आ गया 1, यहाँ पर अपन B2 और C2 रखेंगे C2 0 है B2 1 है तो A2 कितना आ गया माइनस 1, यहाँ अपन B3 माइनस 1 रख दिया C3 2 रख दिया तो A3 कितना आ गया माइनस 1। ठीक है, तो मैट्रिक्स A आ गई अपने पास, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ये मैट्रिक्स। यहां से अपन डिटरमिनेंट ऑफ A निकालेंगे, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2। ठीक, डिटरमिनेंट ऑफ A क्या आ जाएगा 2, यही अपने को पूछा है आंसर।